श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण कहती है संध्या काल का प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समी पत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लतालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो तीन या चार प्रदोष में उसका कर्जा चुकना प्रारंभ हो जाता है, वो प्रदोष का विधान। इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने, इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने, कौन करे इतना वर्णन? अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे अगस्त ऋषि, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा गया, प्रदोष काल का। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे 6:30 बजे 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगा कर रखो कि दिन ढल रहा है, अंधेरा होना शुरू हो रहा है, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है, इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष काल। सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं, मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं, बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं, गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं, शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं, शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं, और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। महाराज ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाश पर मिले, उस बार को उस तिथि के दिन उस अनुकूल, हमारे यहां कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है, मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देते हैं, बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है,
गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है, शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है, शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। महाराज ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया चाहिए। भगवान कहते ठीक है तू थोड़ी देर खड़ी हो। एकादशी सम्मुख खड़ी हुई पार्वती जी ने जिस अंगुष्ठ का जल पीने के लिए लिया था हाथ में बस पीने ही वाली थी, शंकर भगवान ने वही हाथ में जल लेकर एकादशी के हाथ में उसको देकर कहा ले ये मेरे द्वारा निर्मित एक व्रत है जिसे त्रयोदशी के दिन तूने मांगा है मैं तुझे देता हूँ, आज इस व्रत का फल मैं तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू जिस जीवात्मा को लेकर जाएगी उसका पाप प्रबल नहीं होगा। किसी स्त्री पुरुष बालक बुजुर्ग जो भी होगा जिसने प्रदोष का व्रत करा होगा वो जीवात्मा को तू किसी फल की कामना से नहीं स्वतः ही लेकर चली जाए, उसमें कोई कामना नहीं है। बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर विराम भी दे सकते, पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले जिस कामना से जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है भाई, और रोग मुक्ति के लिए हम मंगल जो भी आपके मन में आ रहा है संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी प्रदोष आप उसका स्मरण कर। फिर लिखा शिव महापुराण में बड़ा सुंदर लिखा विद्या जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ पल कुछ घड़ी के पहले से लेकर बात तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए।